आपको आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। इस ब्यूटीफुल खूबसूरत पौध के बारे में आप तो अच्छे से जानते हो, आपने उनकी पत्तियां देख के आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा ये क्या चीज़ है। ये बहुत टेस्टी फ्रूट्स के बारे में आप सबको आज मैं बताऊंगी। बहुत टेस्टी लगता है, सभी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बहुत पसंद है और हेल्दी भी होता है ये। इसका नाम मैं आप सबको बता दूँ, देखिए इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। इसको हम लोग अक्टूबर के महीने में लगा भी सकते हैं, सीड्स की जरिए भी लगा सकते हैं, रूट्स की वजह जरिए से लगा सकते हैं और हम लोग नर्सरी से इसको परचेज भी करके ला सकते हैं। इसके पॉट फोर के लीजिए, अभी फ्रूट्स तो निकल नहीं रहे हैं, नवंबर का महीना है तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि हर घर में ये को थोड़ा सी इसके बारे में घर में लगना चाहिए। जो गार्डनिंग के बहुत शौकीन होते हैं उन सबको थोड़ा सी इसके बारे में जानकारी मैं दे दूँ। बहुत ईजिली ग्रोथ हो जाता है, थोड़ी सी बस केयर मांगता है, ज़्यादा नहीं। देखिए मैं ज़्यादा नहीं केयर कर पाती हूँ, थोड़ी सी केयर करती हूँ। देखिए कितने क्यूट्स इसमें पत्तियाँ आई हैं, लीव्स हैं और देखिए कितने प्यारे। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना बर्बाद करूँगी, मैं आपको एक छोटी जल्दी से जल्दी इसके बारे में आपको सबको कुछ जानकारियाँ मैं दे देती हूँ। देखिए इसको आप इनकी जैसे मैंने इस साल इसको ग्रो कर लिया और अगले साल मैं इसको, ये गर्मियों में जल्दी से सूख जाता है इसको, कि वो हार्ड नमी वाली इसको मौसम बहुत पसंद है और गर्मियां इसको बर्दाश्त नहीं होती हैं, कि थोड़ा सा ठंडक मौसम पसंद करता है। आप तो अगर ये गर्मियों में आपका कहीं ठंडी जगह में आप रख दीजिए, जैसे कूलर के नीचे रख दीजिए, तो आपको ये साल भर अच्छे से ग्रो करेगा और फ्रूट थोड़ा बहुत देता रहता, ज़्यादा नहीं देगा। बस आप ये ज़्यादातर फ्रूट का इसका है दिसंबर एंड जनवरी फरवरी तक, ये फ्रूट मार्च तक भी देते हैं, फ्रूट्स तब तक देते हैं जब तक इनको ठंडक मौसम मिलती रहेगी। आप देखिए, और इसमें एक खास बात ये है कि ये थोड़ी सी मिक्स मिट्टी पसंद करता है, जैसे कि थोड़ी सी आपकी गार्डन है, खाद है, थोड़ी सी रेत को मिक्स करके अच्छी आप तो 20% रेत हो गई, 20% खाद हो गई और 50% आपकी मिट्टी होगी, गार्डन की सॉइल कोई भी यूज़ कर लीजिए और आराम से मिक्स करके देखिए इसको लगा लीजिए। आप नर्सरी से गार्डन लेके आइए, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर इसमें कोई ज़्यादा खाद नहीं, मैं इसमें कोई केमिकल नहीं डालती हूँ, इसलिए कि मैं खाने वाली चीज़ है, इसमें हम केमिकल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें गाय की खाद, जो पुरानी खाद हो जिसमें गाय की महक ना आए, गाय के गोबर की महक नहीं आनी चाहिए, वो आप इसमें यूज करिए। कि अगर एक साल या दो साल की आप डाल देंगी तो आपका ये पेड़ जल जाएगा, कि वो नई होती है, नई में ज़्यादा इसमें गर्मी होती है जिससे ये ख़राब हो जाएंगे। पुरानी खाद से और आराम मिल इनको बहुत पसंद है। और ज़्यादा नहीं, आप 3 दिन में इसको सिर्फ पानी दे सकते हैं, सिर्फ 3 दिन में एक बार पानी दीजिए, और ज़्यादा मत दीजिए। देखिए हम भी ज़्यादा नहीं देते हैं इसलिए कि देखिए इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए इसकी, देखिए इस तरह से 3 दिन में मैंने आज पानी दिया इनको, और फिर मैं 3 दिन बाद दूंगी, फिर इस तरह से ग्रोथ करेगा। देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ आ रही है। अब ये दिसंबर में नेक्स्ट मंथ में इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी और फ्रूट्स आने लगेंगे। और एक खास बात मैंने इसलिए इसमें अभी कटिंग नहीं की आप लोगों को दिखाने के लिए, कि ये जो पुरानी लीव्स हो जाती है उनको मुझे कटिंग कर देना चाहिए, कि जिससे ये इसका खाना लेते हैं। अगर इनको खत्म हटा देंगे तो ये आपके और अच्छे ग्रोथ करेंगे, कि ये खराब हो गया है, अब इसको कटिंग करके घर में लगना चाहिए। जो गार्डनिंग के घर में लगना चाहिए, जो गार्डनिंग के को इसके बारे में कोई भी जानकारी लेने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। और मुझे अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।